नाउ अब इन क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पावर में 1 + 3 + 5 up to कहां तक है, 2n + 1। यदि हम इसको ध्यान दें तो ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है n + 1 टर्म्स। तो n + 1 टर्म्स का मतलब ये हो जाएगा कि सम ऑफ n + 1 टर्म्स इन एन एपी दैट इज n + 1/2 a + l है ना, तो 2n + 1 ये आ जाएगा, दिस बिकम्स n + 1 होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो n + 1 का होल स्क्वायर आ गया, डिपेंड करेगा n पर, यानी n इवन होगा या ऑड होगा। n यदि इवन लेते हैं, n इवन का मतलब सपोज 2 ले लो, तो n यदि 2 ले लिए तो i टू द पावर बेसिकली क्या आ गया, 2 + 1 का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर, i टू द पावर 9। i टू द पावर 9 क्या हो गया, i, क्योंकि जो भी पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली यदि n इज इक्वल टू 3 ले लिया तो i टू द पावर 16 आ गया, और 16 का मतलब 1 आ गया, यानी ऑप्शन इसके हिसाब से d हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सीधे x + 1/x = 2cos θ दिया हुआ है। यदि हम क्वाड्रेटिक इसको सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, x² - 2cos θ (x + 1) = 0। क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्मूला जानते हो, x = -b + -√4ac, b² - 4ac/2 है, वहां से ये आ जाएगा सिंपली cos θ + (−i sin θ). ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर यदि आते हैं तो देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है x = 3 + i, तो x³ - 3x² और आगे कुछ कुछ टर्म है, तो इसको देखो हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख लिए x³, ये जो दिया हुआ है इसको देखो यदि हमने सोचा तो ये x - 1 का पावर 3 जैसा है, तो उसके लिए x³ - 3x² ठीक है -3x, ठीक, ये अपना मन से लिख दिए, ये माइनस होगा या प्लस होगा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, तो यहाँ से ये आ रहा है x³ - 3x² + 3x होता है -1 होता है। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि x - 1 का पावर 3। अब हम मेंटेन कर देते हैं तो -11x लिखना होगा, और अब +16 लिखना होगा क्योंकि हमें लाना है कांस्टेंट में 15। दिस इज इक्वल टू x - 1 टू द पावर 3, ये आ गया -11x और +16। हम देखो डायरेक्ट भी इसमें वैल्यू पुट कर सकते थे, x = 3 + i है ना, यहाँ क्या है बार बार नहीं रखना हुआ, अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया x - 1, दैट इज x - 1 क्या आ गया 2 + i का पावर 3। ठीक है, और -11 3 + i और +16, जैसे ही इसको सोल्व कर दोगे ये सारा आ जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये आ गया -15। ठीक, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखो क्वेश्चन में जेड दिया हुआ है ≠ 0। नाउ जब जेड 0 नहीं है इट मींस जेड इज इक्वल टू, हम सिंपली x + iy ले लिए, x + iy ले लिए, तो x + iy लेने से देखो सारे ऑप्शन में जेड स्क्वायर की बात हो रही है, तो हम क्या कर लेते हैं जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं। जेड स्क्वायर मीन्स x² - y² +
टू आई एक्स वाई है, ठीक है, टू आई एक्स वाई हो गया। अब इसके हिसाब से देखने से ही लग रहा है कि यदि रियल पार्ट जेड का जीरो होगा, यानी एक्स यदि जीरो हुआ तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर दैट इज टू एक्स वाई है, तो जीरो होगा ही, यानी ऑप्शन ए हो गया। क्लियर नाउ। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव जो है देखते ही आंसर आ रहा है, यदि हम दोनों साइड इस क्वेश्चन में दोनों साइड क्या लगा दो, मॉडुलस लगा दो, मॉडुलस लगाने के बाद स्क्वायर कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस के बाद क्या लगाए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही निकालना था ना, तो ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। यहां पर क्या दिया हुआ है, जेड वन अपॉन जेड टू, क्योंकि टू जेड वन अपॉन थ्री जेड टू यदि प्योरली इमेजिनरी है, तो जेड वन अपॉन जेड टू कैन बी टेकन एज थ्री बाई टू, थ्री बाई टू आई के, जहां के कोई भी रियल नंबर है, तभी तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, जेड टू से डिवाइड कर दिए, तो क्वेश्चन बिकम्स जेड टू डिवाइड होने के बाद जेड वन बाई जेड टू माइनस वन अपॉन जेड वन बाई जेड टू प्लस वन, और फिर पूरे का मॉडुलस अलग अलग कर लिए। जैसे ही पुट करोगे, मॉडुलस लेने से दोनों सेम आ रहा है ना, ये आ रहा है माइनस वन प्लस थ्री बाई टू के आई का मॉडुलस, यानी वन प्लस नाइन बाई फोर के स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी सेम वही है, यानी वन प्लस थ्री बाई टू के आई का मॉडुलस, है ना, तो ये आ गया हमारा ऊपर में मॉडुलस सेम, नीचे में भी मॉडुलस सेम, आंसर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेड यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे उससे कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेने से क्या आ गया, ये वन माइनस आई रूट थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या आ रहा है, वन प्लस थ्री, है ना, यानी फोर। इसका मतलब यहां से यदि इसको सोल्व करोगे तो ये आ रहा है हमारा वन प्लस थ्री, यानी मतलब माइनस टू, और माइनस टू रूट थ्री आई आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर तो है ही, तो इसका आर्गुमेंट निकालोगे तो आर्गुमेंट देखो होता क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा माइनस, ये किस क्वाड्रेंट में है, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस ऑफ 120 डिग्री आएगा, माइनस 120 डिग्री नहीं दिया हुआ है आंसर में, इसका मतलब 240 डिग्री, ठीक है, क्योंकि माइनस वन या प्लस माइनस 120 डिग्री यदि नहीं दिया हुआ है तो उसमें 360 डिग्री ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड यानी सीधे टैन थीटा, यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड थीटा है तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस अल्फा वाई अपॉन एक्स होता है ना, वही हमने लगा दिया, ठीक है, कुछ सोचना नहीं है, कौन पॉजिटिव निगेटिव, तो वन माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, जानते हो ना टैन अल्फा बाय टू होता है, ठीक है, तो टैन अल्फा बाय टू यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय टू, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के दो क्वेश्चन है, दो मिनट में हो जाएंगे। क्वेश्चन में देखो बच्चा दिया हुआ है जेड प्योरली इमेजिनरी नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, लेट अस सपोज एग्जांपल इज 2y, प्योरली इमेजिनरी जिसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो 2y 3i 10i 2020i कोई भी बोल सकते हो, हमने क्लास में सीधे बता रखा है आर्गुमेंट ऑफ जेड इस तरह के क्या होते हैं, पाई बाई टू, आंसर हो गया। यदि निगेटिव होता इमेजिनरी पार्ट तो आंसर माइनस पाई बाई टू होता, ठीक है। नाउ अब इसमें हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड दिया हुआ है और ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है,
जेड इज इक्वल टू, वैसे ये हमने बता रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पोलर फॉर्म होता है, तो जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, एक का आर्गुमेंट हमने थीटा ले लिया, तो ई टू द पावर आई थीटा जानते हो, तो जेड बार, बेसिकली जेड बार क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड ई टू द पावर माइनस आई थीटा, ये हो जाएगा। सिमिलरली डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू का मॉड ई टू द पावर आई फाइव, तो यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों मल्टीप्लाई किया वही पूछा जा रहा है, इस वजह से जेड बार डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉड जेड इंटू डब्ल्यू और ई टू द पावर आई फाइव माइनस थीटा, यही होगा ना। अब देखो क्वेश्चन में मॉड ऑफ जेड डब्ल्यू दे रखा है वन दे रखा है ये, अब जेड और डब्ल्यू का आर्गुमेंट का डिफरेंस है पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई टू, क्या होता है ये माइनस आई कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, तो ये हो गया माइनस आई। क्लियर? नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट डीपीपी। थैंक यू।